हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटिना बाइक के अंदर प्रॉब्लम है, इसकी जो किक है वो फ्री मार रही है। मैं आपको दिखा दूँ अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो इसकी किक है बिल्कुल फ्री मार रही है, और जो इसकी क्लच है वो क्लच भी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसके अंदर फ्री प्ले। तो इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर चलाते टाइम क्लच के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा गया था, जिसकी वजह से इसकी जो क्लच प्लेट है वो थोड़ी डैमेज हो चुकी है, जिसके बाद जो गाड़ी प्रॉपरली पिकअप नहीं ले रही। दूसरा, ये गाड़ी किक से स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो जाए और आपकी गाड़ी की किक भी फ्री मारे और जो आपकी गाड़ी की क्लच है बिल्कुल एंड में जाके उठे, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की आप एक बार क्लच दिखाता हूँ चला के कि किस कहाँ काम कर रहा है। हेल्प लगा चुके हम और ये क्लच हमने दबाई और आप देख सकते हैं गैर डल चुका है। अब इस गाड़ी की जो क्लच आप देख सकते हैं कहाँ काम कर रही है, बिल्कुल एंड में काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्ले है योक के अंदर, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ कहाँ काम कर रही है क्लच, आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी चली हुई है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, अगर आपकी गाड़ी की भी गाड़ी की क्लच में चलते टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको करना है कि गाड़ी की जो क्लच वायर जहाँ से जा रही है, जहाँ से काम कर रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी की क्लच दबा के आपको चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे 12 नंबर एडजस्टिंग मिलेंगी क्लच केबल की, तो आपको करना है क्या, इसके लॉक खोलना है पहले तो 12 नंबर की चाबी से। और दोस्तों इस लॉक को खोलने के बाद आपको इसके 12 नंबर नट को आपको बिल्कुल लूज कर देना है। आप देख सकते हैं आगे की साइड यहाँ पर ले होनी बहुत ज़रूरी है, और इसको आपको लूज करने के बाद आपको इस नट को हल्का सा लॉक कर देना है। पहले टेस्ट करेंगे क्लच कितनी फ्री हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों इसको लूज करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ हाथ मार के देखना है, आप देख सकते हैं कितनी प्ले हो चुकी है। और इसके बाद आपको गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना है दोबारा, और स्टार्ट करने के बाद आपको गियर डाल के चेक करना है कि क्लच सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इग्निशन ऑन करके और पहले किक को मार के चेक करना है किक सही लग रही या नहीं लग रही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो गाड़ी की किक है वो प्रॉपरली काम कर रही है। अब इसका हम गियर डालकर और क्लच चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमने क्लच दबा ली है और ये गियर डाला, अब आप देख सकते हैं गाड़ी की जो क्लच है परफेक्ट काम कर रही है, पीछे की साइड दिख रही है। दोस्तों इस तरीके से आपको गाड़ी की जो क्लच प्लेट है, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट चलते टाइम खराब हो जाती है, आपकी किक फ्री मारने लग जाती है, और या आपकी गाड़ी की जो क्लच है लास्ट के अंदर काम कर रही है, तो आपको इस साइड जो आपको 12 नंबर के जो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं इनको लूज करना है। इसके बाद आपकी गाड़ी की जो क्लच है वो काम करने लग जाएगी। इसके बाद आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।